फ्रेंड्स अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ब्लाउज स्टिचिंग। हमारी पहली पार्ट वन वीडियो में हमने कंप्लीट कटिंग की थी, अब हम इस वीडियो में स्टिचिंग करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी किस तरह से हम स्टिचिंग करते हैं ब्लाउज की। हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, जो हमने फ्रंट वाले टू पार्ट आते हैं जिसमें हमें फोर टक्स लगाते हैं। फर्स्ट हमें लाइनिंग वाला ब्लाउज़ है, इसकी राइट राउंड स्टिचिंग कर लेना है, जो हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है उसे भी, और हमारा ब्लाउज़ की जो पीस है। हम अस्तर वाली ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं, इसीलिए हमें फर्स्ट इस तरह से राइट राउंड हमें पूरी स्टिचिंग लगा लेना है। हमने ब्लाउज़ को राइट राउंड स्टिचिंग कर लिया है, ये अस्तर वाले कपड़े और हमारे ब्लाउज़ के कपड़े को, पीस को। इस तरह से हमें दोनों पार्ट को सेम इसी तरह से स्टिच करना है। यह हमारा दूसरा वाला पार्ट है, हमने इसे भी इसी तरह से सेम स्टिच कर लिया है, राइट राउंड, जिस तरह से हमने पहले वाले पार्ट में राइट राउंड स्टिच किया था उसी तरह से ये वाले पार्ट में भी हमें स्टिच कर लेना है। अब हम टक्स की स्टिचिंग करेंगे। फर्स्ट हमें जिस तरह से हमने टक्स को मार्क किया है उसी तरह से हमें पकड़ते हुए इस तरह से स्टिच लगा लेना है। सेम जिस शेप में है उसी शेप में टक्स की स्टिचिंग लगाना है। अब हम दूसरे वाले टक को स्टिच लगा रहे हैं। सेम जिस तरह से हमने थ्री लाइन से ड्रॉ कर मार्क किया है, सेंटर वाले पार्ट को पकड़ते हुए इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है। यह हमारा सेकेंड टक भी स्टिच हो गया है। यह हमारा थर्ड टक है, हम अब इसको भी इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। कभी भी हमें टक को स्टिच करने से वक्त कपड़े को दोनों लाइनिंग वाले और हमारे जो हमारा ड्रेस कपड़ा है ब्लाउज़ का उसको दोनों को पकड़ते हुए स्टिच करना है। कभी भी अस्तर वालों कपड़ों में दोनों कपड़े को पकड़ते हुए ध्यान से स्टिच करना है। तीन टक हमारे स्टिच हो गए, लास्ट वाला टक है। टक्स हमारे फोर टक्स की ब्लाउज़ बना रहे हैं हम, इसीलिए हमें फोर टक्स लगा रहे हैं। ये हाफ इंच से भी बिल्कुल कम है, इसको ध्यान से स्टिच करना है ये वाले टक को। हमारे फोर टक्स स्टिच होके तैयार हो गए हैं। सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी फोर टक्स स्टिच कर लेना है। ये टक से ही हमारी ब्लाउज़ का शेप आएगा और हमें नीचे बेल्ट भी लगाना है। सेम इसी तरह से स्टिच कर लेना है जिस तरह से हमने फर्स्ट वाले पार्ट में स्टिच किया है। हमने दोनों टक्स को स्टिच कर लिया है, अब हम नीचे बेल्ट स्टिच करेंगे। ये जो हमारी ब्लाउज़ की बेल्ट है जो नीचे की तरफ आता है, फर्स्ट हमें इस बेल्ट के दोनों पीस को एक लेवल में रख लेना है। इस तरह से रखते हुए एक स्ट्रेट स्टिच लगा लेना है नीचे की तरफ। फर्स्ट हमें नीचे की ये दोनों जो बेल्ट के पीस हैं, ये है ना, लाइनिंग वाले ब्लाउज़ में भी इसी तरह से आएगी इसकी बेल्ट, और विदाउट लाइनिंग में भी सेम इसी तरह से हमें बेल्ट को स्टिच करना पड़ता है। यह आपको कभी भी बेल्ट के लिए हमें डबल पीस ही लगती है, विदाउट लाइनिंग और लाइनिंग की ब्लाउज़ दोनों में भी। हमने इस बेल्ट की पीस को स्टिच कर लिया है। अब हम फर्स्ट यहाँ पे इस तरह से रखते हुए ब्लाउज़ को और बेल्ट को दोनों को स्टिच लगा लेंगे स्ट्रेट। ये बेल्ट में कभी भी आप कंफ्यूजन आ जाएगा, आपको ध्यान से स्टिच करना है किस कौन सी साइड आना है। आपको ध्यान से रखते हुए फ्रंट वाला पार्ट में फ्रंट जो हमारी पीस है, जो लाइनिंग है, वो अंदर की तरफ ही आना है। इस तरह से आपको रखते हुए स्टिच करना है। ये पट्टी हमारी स्टिच हो गई है। अब हमें इसको, ये जो हमारी लाइनिंग वाला पार्ट की जो बेल्ट है उसको हम किस तरह से स्टिच, इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। जो हमारी ब्लाउज़ की जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमें फोल्ड करने से इस तरह से हमारी जो हमने फर्स्ट ज्वाइन किया था वो स्टिचिंग मिलेगी हमें।
अब हमें इस दोनों को रखते हुए स्ट्रेट स्टिचिंग कर लेना है। ये स्टिचिंग आप क्योंकि हमें पूरा हमारा ऊपर वाला पार्ट फोल्ड करके अंदर की तरफ रखते हुए हम इसको स्टिच कर रहे हैं, आपको ध्यान से स्टिच करना है ताकि अंदर वाला कपड़ा इसमें ना स्टिच होए, आपको ध्यान से फोल्ड कर स्टिच करना है। अब हमारा स्टिचिंग के बाद हमें जो ये पट्टी है, पट्टी के अंदर से ये बाहर की तरफ ब्लाउज़ को काटने से हमारी ब्लाउज़ का एक पार्ट तैयार हो जाएगा। ये जो हमारी बेल्ट है वो भी स्टिच होकर कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमें बेल्ट को अटैच करना है विदाउट लाइनिंग वाले ब्लाउज़ में भी, विदाउट लाइनिंग वाले ब्लाउज़ में भी और विथ लाइनिंग वाले ब्लाउज़ में भी सेम इसी तरह से बेल्ट को स्टिच करना है। दोनों पार्ट को भी हमने बेल्ट स्टिच कर लिया है। अब हम बैक वाला पार्ट में, फर्स्ट बैक वाला पार्ट के लिए जो हमने टक्स लगाया है उसको हम बाहर की तरफ रखते हुए ताकि हमें टक्स स्टिच करने में इजी हुए, जो हमने मार्क किया था। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाला पार्ट को जो लाइनिंग वाला है उसको और हमने ब्लाउज़ के पीस दोनों को रखते हुए नीचे की साइड हमने हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा स्टिच कर रहे हैं। हमें इस तरह से भी स्टिच कर सकते हैं या फिर हमें डबल फोल्ड कर स्टिच करके उसे वन इंच हाफ इंच उतना तुरपाई भी लगा सकते हैं। मैं इसको स्टिच कर रही हूँ हाफ इंच। हमने इस तरह से स्टिच करने से हमें आसानी होगी, हमें तुरपाई करना नहीं पड़ेगा। इस अब हमें इस तरह से लाइनिंग वाला साइड को इधर साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक स्टिच लगा देने से ये स्टिफ हो जाएगा, नहीं तो हमें इस तरह की वन इंच की पट्टी स्टिच करके डबल फोल्ड करके स्टिच करके लगाने से तुरपाई करना पड़ता है। मैं यहाँ पर तुरपाई नहीं कर रही हूँ, हमने हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा लेकर स्टिच कर लिया। अब उसको लाइनिंग वाला साइड रखते हुए स्टिच कर रही हूँ ताकि ये स्टिफ लगे। इसलिए यह हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमने ये साइड रखते हुए स्टिच लगाया ना, वो लाइनिंग के साइड आया है। अब हमें राइट राउंड स्टिच लगा लेना है जिस तरह से हमने लगाया था फर्स्ट वाले पार्ट में, उस तरह से हमें लगाकर स्टिच करने से हमें आसानी होगी। हमारी ब्लाउज़ की राइट राउंड स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसकी टक्स की स्टिचिंग लगाएंगे। राइट राउंड स्टिच करने के बाद ही हमें टक्स लगाने से हमें आसानी होगी, कपड़ा इधर उधर नहीं होएगा। ये हमें हाफ इंच उतने टू टक्स लगाना है, जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से टक्स को स्टिच करना है। ये बैक वाले पार्ट में हमने दोनों टक्स भी स्टिच कर लिया है। जिस तरह से हमने पहला वाला टक्स स्टिच किया था सेम उसी तरह से हमें इधर भी स्टिच कर लिया। यहाँ पे हमारा स्टिचिंग नहीं आया है, यहाँ पे हमारी स्टिचिंग दिख रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे हमें तुरपाई करना चाहिए, मैंने यहाँ पर स्टिचिंग लगाया हुआ है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से रखते हुए अब हम इस यहाँ पर तीरा अटैच करेंगे। तीरा जिस तरह से हमने ड्रेस में अटैच करते हैं सेम इसी तरह से इस ब्लाउज़ में भी बैक और फ्रंट दोनों को रखते हुए अटैच कर लेना है तीरा। हमारे दोनों शोल्डर स्टिच होकर तैयार हो गए हैं। जिस तरह से हमने पहले वाले को स्टिच किया था सेम उसी तरह से ये वाले पार्ट को भी स्टिच कर लिया। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। ये हमारी स्लीव्स है जो विथ लाइनिंग के साथ है। हमने स्लीव्स को भी जिस तरह से हमने बैक वाले पार्ट में स्टिच करके उसको स्टिच लगाया था सेम स्लीव्स में भी हमें उसी तरह से स्ट्रेट स्टिचिंग करके टर्न कर एक और स्टिचिंग लगा देना है। ये हमारी स्ट्रेट स्टिचिंग हमने लगा दी। अब हम इसको लाइनिंग की तरफ रखते हुए एक और स्टिचिंग लगाना है जिस तरह से हमने बैक साइड लगाया था। हमने स्लीव्स में स्टिचिंग लगा दिया है। अब हमें राइट राउंड स्टिच कर लेना है। राइट राउंड स्टिच जिस तरह से कभी भी हमें लाइनिंग वाले अस्तर वाले कपड़ों के लिए राइट राउंड स्टिच करके ही स्टिच करना है। उसके बाद हमें ये फ्रंट वाला आर्म होल को भी कट करके शेप देना है। हमने स्लीव्स को स्टिचिंग लगा दिया है जिस तरह से मैंने आपको बताया था। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने दोनों स्लीव्स को भी सेम इसी तरह से स्टिचिंग लगाया हुआ है। अब हम ये फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं।
अब हमें स्लीव्स को, ये जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हमने कट कराया था वो फ्रंट साइड में आएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से रखते हुए हमें फ्रंट दोनों स्लीव्स और ब्लाउज को स्टिचिंग लगाएंगे। जिस तरह से कुर्ती में लगाते हैं सेम उसी तरह ही है ब्लाउज की स्लीव्स की स्टिचिंग भी। हमारी स्लीव्स की स्टिचिंग हो गई है, सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी स्टिचिंग कर लेना है। ये हम जिस तरह से हमने इस वाले पार्ट में ब्लाउज स्लीव्स की स्टिचिंग की थी, हमारे स्लीव्स के दोनों स्लीव्स की स्टिचिंग हो गई है। अब हमें जितना हमारा स्लीव राउंड है, हमारा स्लीव राउंड है 6 इंचेस, हमें उतना मार्क करते हुए जितना हमने जो हमें मार्जिन के लिए हमने टक लगाया हुआ था वहाँ तक हमें इस तरह से लाइन को ज्वाइन कर लेना है। हमने 2 इंच उतना मार्जिन लिया था, हमें 2 इंच उतना मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारी फिटिंग है। इसी तरह से हमें वो वाले साइड भी सेम फिटिंग करना है। अब हमें स्ट्रेट स्टिचिंग लगा लेना है। हमने जिस तरह से मार्क किया था उसी तरह से हमने स्टिच कर लिया है। जो हमारी मार्किंग थी उसी पे हमने स्टिच कर लिया है। सेम दूसरे वाले पार्ट में भी उसी तरह से हमें मार्क करते हुए स्टिच करना है। दोनों साइड भी हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग हो गई है। अब ये जो हमारा इसको हमें सिंगल और डबल पट्टी चाहिए। इसको स्टिच करने के लिए हमें सिंगल और डबल पट्टी के लिए फर्स्ट हमारा 10 इंच उतना हमें लेंथ ले लेना है। 10 इंच उतना लेंथ लेके हमें 1.5 इंच या फिर 2 इंच हमें दोनों पट्टी काट लेना है सिंगल और डबल पट्टी के लिए। ये हमारा फ्रंट वाला साइड में जो हम आई और हुक बनाने वाले हैं उसके लिए हमें ये पट्टी चाहिए। अब हम इसको किस तरह से स्टिच करते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। हमें 2 इंच हमने दोनों पट्टी को मार्क कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करके किस तरह से स्टिच करते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। हमने दोनों पट्टी को आप देख रहे हैं ये हमने 2 इंच का राइट साइड में रखा है और 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा हमने लेफ़्ट साइड में रखा है, क्योंकि लेफ़्ट साइड हमारी आई आएगी और राइट साइड हमारी हुक आएगी। फर्स्ट हम हुक वाले पार्ट को स्टिच कर लेते हैं। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें स्ट्रेट स्टिचिंग लगा लेना है। फर्स्ट कपड़े को और पट्टी को दोनों को रखते हुए स्ट्रेट पट्टी को नीचे की तरफ और जो हमारे ब्लाउज का पार्ट है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए हमें स्ट्रेट स्टिचिंग लगा लेना है। ये हमारी स्टिचिंग हो गई है, हमने जिस तरह से स्ट्रेट स्टिचिंग लगाया था। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए फर्स्ट हमें यहाँ एक और स्टिचिंग लगा लेना है। ये स्टिचिंग लगाने से हमें फोल्ड करने में आसानी होगी और हमारी जो फोल्ड करके हम जो पट्टी को स्टिच करते हैं वो एग्जैक्टली परफेक्ट स्टिच होगी। इसीलिए हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। फर्स्ट ये वाला फर्स्ट और सेकेंड फोल्ड जो इतना हमारा स्टिचिंग है वो बराबर हमारी एंडिंग में और कोर में आने चाहिए। इसको हमें एक और स्टिच लगा देने से ये हो जाएगी हमारी सिंगल पट्टी जो इसके ऊपर हम हुक को स्टिच करेंगे। ब्लाउज में हमें कभी भी ये सिंगल और डबल पट्टी स्टिच करने के बाद में लास्ट में नेक की स्टिचिंग आएगी, क्योंकि सिंगल और डबल पट्टी स्टिच करने के बाद ही नेक की स्टिचिंग आएगी ब्लाउज में। हमारी ये सिंगल पट्टी स्टिच होके तैयार हो गई है। स्टिच होने के बाद सिंगल पट्टी इस तरह से आएगी। ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है हम उसको कट कर देंगे। अब हम डबल पट्टी स्टिच करेंगे। अब हम डबल पट्टी स्टिच कर रहे हैं। डबल पट्टी स्टिच करने के लिए हमें डबल पट्टी को भी नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से ऊपर फोल्ड करके स्ट्रेट स्टिचिंग लगा देना है। हमारी डबल पट्टी को हमने फर्स्ट स्ट्रेट स्टिचिंग लगा लिया है। अब हम इसको फ्रंट वाले साइड ही हम इसको फोल्ड करेंगे। थोड़ा 1/2 इंच उतना लेते हुए जहाँ पर हमारी स्टिच आई है वहाँ पर ही इसको फोल्ड करते हुए हमें स्टिच लगा लेना है। सिंगल पट्टी हमारी अंदर की साइड पूरी चले गई, ये डबल पट्टी है ना इसमें हमें स्टिच करने से ये बाहर की तरफ आएगी और इसकी स्टिचिंग लास्ट भी हमारी फ्रंट वाले साइड में जो सीधे तरफ आता है वहाँ पर इसकी स्टिचिंग एंड होती है। ये हमें इसको सीधे तरफ स्टिच करते हुए राइट साइड हमारी स्टिच करते हुए
एंड कर रहे हैं, क्योंकि रॉन्ग सेन कभी भी हमारी स्टिचिंग लगती है, क्योंकि डबल पट्टी में हमें सामने ही फोल्ड करके उसको स्टिचिंग लगाना है। यहाँ पर आएगी हमारी आई, एक और इसको वन प्रेशर फ्रूट उतना एक और स्टिचिंग लगा देना है, ताकि हमें आई बनाने के लिए आसानी होगा। ये जो हमें वन प्रेशर फ्रूट उतना एक और स्टिचिंग लगा रहे हैं, अब एक्स्ट्रा वाला पार्ट को हम कट कर देंगे। यहाँ पर हमारी आई आएगी डबल पट्टी पर। अब हमारी ये सिंगल और डबल पट्टी स्टिच हो गई है, इस तरह से आएगी आई और हुक हमें स्टिच करना है। हमारी ब्लाउज पूरी स्टिच होकर कंप्लीट हो गई है, सिर्फ हमें नेक की स्टिचिंग करना है। ये नेक की स्टिचिंग हम क्रॉस पीस से स्टिच करेंगे, जो हम क्रॉस पीस काटते हैं उसी तरह से इसको स्टिच लगाएंगे। फर्स्ट जिस तरह से हम नेक में भी क्रॉस पीस लगाते हैं, सेम उसी तरह से फर्स्ट इस तरह से डबल फोल्ड रखते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से रखते हुए राइट राउंड स्टिच कर लेना है। हमने नेक की स्टिचिंग कर ली है क्रॉस पीस से, अब हम इसमें कट्स लगाते हुए हमें इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ब्लाउज में तुरपाई ही आती है, स्टिचिंग नहीं लगाते, तुरपाई करने से अच्छा लुक आएगा इसीलिए। लेकिन मैं इसको स्टिच कर दे रही हूँ इस तरह से, हमें टर्न करते हुए जिस तरह से हमें नेक में इस टॉप में कुर्ती में हम क्रॉस पीस से स्टिच करते हैं, सेम उसी तरह से मैं इसमें इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा रही हूँ। आप चाहिए तो तुरपाई भी कर सकते हैं। हमारी नेक की जो हमने क्रॉस पट्टी से स्टिच किया था, वो हमारी नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, हमारी ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच वीडियोज़। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफ।